हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि रेसिस्टर्स को श्रेणी समांतर क्रम में किस प्रकार से अपन संयोजित करके उनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है कैपेसिटर को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़कर कैसे उनकी कुल धारिता का मान ज्ञात किया जाता है, और साथ ही साथ अपन इंडक्टर का भी देखेंगे दोस्तों कि इंडक्टर्स को जो है श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजित करके किस प्रकार से अपन जो है कुल इंडक्टेंस का मान, कुल प्रेरकत्व का मान अपन फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है मैं तीनों मींस रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तीनों को एक साथ आपको जो है इनके श्रेणी और समांतर संयोजन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो डायरेक्टली एक साथ ही जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। अतः आप लोग दोस्तों इस वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो जो है दोस्तों आपके काफी डाउट्स क्लियर करेगा और आप लोगों के जो भी इनसे रिलेटेड रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर से रिलेटेड श्रेणी समांतर संयोजन के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है सॉल्व आउट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो रेसिस्टर दोस्तों, सबसे पहले अपन देख रहे थे श्रेणी क्रम का, कौन सा श्रेणी क्रम। यहां पर भी दोस्तों फर्स्ट जो अपन श्रेणी क्रम देखेंगे और यहां पर भी दोस्तों अपन जो है श्रेणी क्रम देखेंगे। दोस्तों यू नो, आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम को जो है अपन श्रृंखला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखला, श्रृंखला, या फिर अपन इसको इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। सीरीज क्या बोलते हैं दोस्तों? सीरीज। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ऐसे जुड़ेंगे R1, R2, R3। या फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो टोटल रेसिस्टेंस है R कुल, R टोटल या RS कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध यहां पे जो है श्रेणी क्रम में अपन डायरेक्टली क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे। आगे और है तो आगे उनको भी ऐड कर देंगे। श्रेणी क्रम के लिए यहां फॉर्मूला ऐसा लगेगा दोस्तों, यही यदि अपन फॉर्मूला श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्र के लिए देखें तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहां पे संधारित्र में जो है मान लो C1, C2 और C3 धारिता के तीन संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि अपन को तुल्य धारिता चाहिए तो यहाँ पे तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है 1/CS बराबर फॉर्मूला लगता है दोस्तों 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है। यही चीज यदि दोस्तों अपन इंडक्टर के लिए देखें और इंडक्टर है मान लो L1 हेनरी, L2 और L3, तीन इंडक्टर है L1, L2, L3। तो यहां पे जो है यदि अपन को टोटल L टोटल चाहिए, कुल इंडक्टेंस चाहिए तो दोस्तों डायरेक्टली सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो फॉर्मूला अपन किसके लिए लगा रहे हैं? रेसिस्टर के लिए लगा रहे हैं। तो सेम यही फॉर्मूला यहां पे जो है L1 + L2 + L3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहां पर इंडक्टर के लिए होगा, राइट। यानी कि श्रेणी क्रम में सारे के सारे जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में यहाँ पे जो है तुल्य जो धारिता मिलेगी उसका व्युत्क्रम सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, और इंडक्टेंस में क्या होगा? सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो प्रतिरोध के लिए होगा। यानी कि सारे का सारा इंडक्टेंस जो है जुड़ के अधिक अपन को मिल जाएगा, राइट। देखो दोस्तों, यदि मान लो सेकेंड पॉइंट, यदि एक समान मान के n प्रतिरोध हो, एक समान मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, कौन से क्रम में? श्रेणी में जुड़े हों, तो यहां पे दोस्तों R टोटल जो है वो होता है n गुणा R, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पे देखो दोस्तों दूसरा यही चीज, यदि एक समान धारिता के, एक समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी में जुड़े हों, किसमें हो? श्रेणी में जुड़े हों तो C टोटल हो जाएगा दोस्तों C/N। मात्रक आपको बताना चाहिए फेरेड होता है, धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? फेरेड होता है। तो क्या सूत्र हो जाएगा? C/N फेरेड। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यदि यहां के पेन इंडक्टर्स के लिए बात करें, यदि एक समान
इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बोल दो या इसको अपन बोलते हैं प्रेरकत्व, इंडक्टेंस या अपन इसको क्या बोलते हैं प्रेरकत्व, कि एन इंडक्टर श्रेणी में जुड़े हो, श्रेणी में जुड़े हो, श्रेणी में जुड़े हो। तो दोस्तों सेम यही फॉर्मूला होगा प्रतिरोध के जैसा ही, और फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों एल टोटल बराबर एन गुना एल हेनरी, एन गुना एल हेनरी, इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है हेनरी, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों यदि समांतर के लिए अपन से पूछ रहा है समांतर, तो आपको पता होना चाहिए समांतर संयोजन कुछ ऐसा होता है, आर वन आर टू आर थ्री, ये क्या है समांतर संयोजन। तो यहां पे यदि अपन को टोटल रेसिस्टेंस चाहिए तो फॉर्मूला अपन लगाएंगे एक बटा आर टी इज इक्वल टू एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री, राइट। यदि एक समान मान के, एक समान मान के, समान मान के एन प्रतिरोध समांतर में हो, समांतर में हो तो R टोटल हो जाता है दोस्तों R बटा N, क्या हो जाएगा R बटा N, ठीक है। मात्रक होता है इसका ओम, मात्रक होता है ओम, राइट। इसके बाद में देखो दोस्तों यदि यहां पे अपन देखें समांतर में कैपेसिटर जुड़े हो, समांतर में C1, C2 और C3 एक कैपेसिटर है और आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं C1, C2 और C3। तो यहाँ पे जो टोटल धारिता है दोस्तों वो आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि यहाँ जो श्रेणी में फॉर्मूला होता है ना, यहाँ प्रतिरोध के लिए जो श्रेणी में होता है वही कैपेसिटर में समांतर के लिए होता है, ठीक है। बस इतना सा याद रखो, डैश डैश आगे और कुछ भी हो तो, राइट। अगर एक समान मान के हो, समान मान के, समान मान के एन संधारित्र, कितने एन संधारित्र समांतर में हो, समांतर पैरेलल में होने पर क्या हो जाएगा सी टी, सारे के सारे जुड़ रहे हैं ना समांतर में, क्या होते हैं सारे के सारे जुड़ जाते हैं, तो एन गुणा सी लग जाएगा, एन गुणा सी, मात्र कोई फेरेड होगा फेरेड, ठीक है। इंडक्टर के लिए दोस्तों सेम ये फॉर्मूला लगेगा, इंडक्टर में वही फॉर्मूले लगते हैं जो कैपेसिटर में लगते हैं, ठीक है, और इंडक्टर में वही फॉर्मूले लगते हैं जो रेसिस्टर में लगते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वही इंडक्टर के लिए, और कैपेसिटर में क्या होता है जस्ट यहां जो श्रेणी में होता है वो यहां समांतर में होगा, और यहां जो श्रेणी में होता है वो यहां समांतर में होगा, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है और कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूले है। यहां पे देखो दोस्तों समांतर, समांतर या पैरेलल अपन बोल सकते हैं इसको, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल संयोजन में क्या होगा इंडक्टर्स ये पैरेलल में होंगे L1, L2 और L3, L1, L2, L3। यहां पे टोटल इंडक्टेंस का व्युत्क्रम 1/L टोटल बराबर होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, राइट। ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा, और इसके बाद में देखो यहां पे नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि एक समान मान के n इंडक्टर है, समान मान के, समान मान के n इंडक्टर है, समान मान के n इंडक्टर होने पर, समान मान के n इंडक्टर होने पर, समान मान के n इंडक्टर, तो समान मान के एन इंडक्टर पैरेलल में, क्या बोलेंगे यहां पे अपन पैरेलल के लिए लिखते हैं पैरेलल, पैरेलल में होने पर, यदि समांतर में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एल टोटल बराबर एल बटा एन हेनरी आ जाएगा, हेनरी। तो ये सेम फॉर्मूला वही है जो प्रतिरोध के लिए लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इजीली जो है अपन
आर एल और सी जो है श्रेणी समांतर जो है इनका संयोजन के लिए जो तुल्य अपन को जो फॉर्मूले मिलते हैं टोटल वैल्यू फाइंड आउट करने के, वो अपन इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आप ये जो आज का वीडियो है काफी पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी स्टडी जो है रेगुलर कर रहे होंगे, और कोशिश करो वैकेंसीज की वगैरह की टेंशन मत लो, आप लोग जो है अपनी स्टडी जो है उसको रेगुलर करते रहो, स्टडी जो है उसके ऊपर फोकस करते रहो, बाकी वैकेंसीज जब आएगी तब आ जाएगी। ठीक है, आप लोग टोटली जो है आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल और बिल्कुल जो है आपकी प्रिपरेशन पे होना चाहिए, आपकी तैयारी पे होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।